नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, जिसको देख करके आपने इसको वीडियो को खोला है, क्लिक करा है कि ये देखा जाए, ये जो वीडियो है ये हाइट ट्रीटमेंट के बारे में है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी आप लोगों की मैं भ्रांतियां इसके अंदर तोड़ने वाला हूं, तो ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और ये अच्छा रहेगा कि इसको आप एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक मैं दो क्लिनिकल कैच बताऊंगा। जैसे कि मेरे ज्यादातर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ क्लिनिकल कैच होता है, वो क्लिनिकल कैच जो आपको अपनी प्रैक्टिस के दौरान ऐसे केसेस के अंदर डील करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा कि आपके दिमाग में जहनो दिल में कहीं क्लिनिकल सवाल होते हैं एक बीमारी को लेकर, वो जो सवाल होते हैं वो क्लिनिकल कैच जो मैं बताता हूँ, क्लिनिकल एक ग्लिच होता हूँ, एक क्लिनिकल टेक्निक में बोल सकते हो आप, वो अगर आपको एक बीमारी का एक क्लिनिकल कैच पता हुआ है तो फिर वो आप बीमारी आप बहुत ही बखूबी ट्रीट कर सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माँ बाप इन दिनों बहुत आयत में हम लोगों के पास आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके, जो 16 का साल के हैं, 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, और उनका ये कंसर्न रहता है सर कि मेरे बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा है, मुझे ये डर है कि कहीं ये छोटा तो नहीं रह जाएगा। तो ये आप लोग जानते हैं, आपके पास भी ऐसे पेरेंट्स बहुत आ रहे होंगे। कोई भी अगर आप एज अ पेशेंट देख रहे हैं ये वीडियो को अपने बच्चे के रिगार्डिंग कि आपके बच्चे की हाइट कम है, तो आप तो जानते ही हैं कि ये दिक्कत है। और अगर एज अ डॉक्टर देख रहे हो तो आप लोग भलीभांति परिचित, तो आपके पास कितना सारा क्लाइंट आता है ये कहते हुए कि सर मुझे हाइट का इलाज बता दो, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है ना। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये आपको समझने का है कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि आजकल ये हो रहा है, हमें पता नहीं क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी कि सबसे पहले वो एक उम्र, दो तीन सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कि क्या हम किसी भी एज के अंदर एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए केपेबल हैं, क्योंकि आप ये जानते हो इस नाम के ऊपर जो होम्योपैथिक मेडिकल मेडिसिनल मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इनने पूरा आसमान सर पे उठा के रखा है। हर कंपनी का कोई ना कोई ऐसा पेटेंट, ऐसा ड्रॉप आ रहा है जो वो लोग मार्केट में लॉन्च करके बैठी हैं, चाहे वो होम्योपैथिक कंपनी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक कंपनी हो, चाहे वो एलोपैथिक कंपनी हो। इसके ऊपर इतना जम के ये लोग इतना मोटा पैसा छाप रहे हैं ना, लोगों को बेवकूफ बना बना के। कोई भी डिस्क्लेमर नहीं है इनकी इन दवाओं के ऊपर, इसके अंदर कोई जानकारी नहीं है कि किस एज का बंदा खा सकता है, बस पैसा इतना पीट रही है कि डेस्परेट पेशेंट मार्केट में घूम रहा है और वो इनके पेटेंट जाके खरीदता है, अपने बच्चे बच्चियों को खिलाता है और कुछ होता जाता नहीं है। तो एक लूट मची हुई है हाइट बढ़ाने के नाम पे। कई तो ऐसी कंपनी है जिनका अकेला यही प्रोडक्ट है हाइट बढ़ाने का, और वो कंपनियां करोड़पति बन गई, मतलब हजारों करोड़ का उनका मार्केट वर्थ हो गया, मार्केट कैप हो गया सिर्फ एक प्रोडक्ट बैठ के बेच के, ठीक है। आपने भी पेपर के अंदर क्लासिफाइड में कई बार इसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, अगर आप लोग सब पेपर पढ़ते हैं तो अमूमन फ्रंट पेज पे ही कहीं कोने पे एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट होता है। तो प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है तभी डेस्परेट पेशेंट है, जब डेस्परेट पेशेंट है तो इनको लूटा जा रहा है। तो चार सवाल आते हैं इसके अंदर, ठीक है। चार सवाल जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले कि कौन सी एज तक हमको हाइट का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ये कॉमन सवाल होता है। कोई ले आ रहा 22 साल का लड़का, बोले हाइट बढ़ा दो, थोड़ी बढ़ेगी। तो इसका टेक्निकल जवाब क्या है कि पहली चीज कौन सी एज तक हम हाइट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, कौन सा वो केस है जिसके अंदर हमको हाइट का ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, ये सबसे आखिरी में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि यही वो क्लिनिकल ग्लिच है जो मैं बता रहा हूं। तो पहला सवाल ये है भाई, किस उम्र तक हाइट का ट्रीटमेंट कायदे से हो ना चाहिए, मतलब या फिर ये उसको अपोजिट में बोले तो कौन सी ऐसी उम्र है जिसके बाद कोई अर्थ नहीं है इस इलाज करने का, इस पेशेंट का। पहला तो हम ये जानेंगे, दूसरा हम ये जानेंगे हाइट डिसाइड कैसे होती है। भाई लोगों को समझ में नहीं आता हाइट कैसे डिसाइड होती है, ये चीज हम समझेंगे कि हाइट कौन सी चीज हाइट को डिसाइड करती है। एक माँ और बाप का बच्चा हुआ, हाइट कितना होगा ये कहां से आता है, ये डाटा कहां से आता है शरीर के पास कि मेरे को इतनी हाइट बढ़ानी है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वो कौन सा केस है जिसमें हाइट का ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जो दूसरे सवाल का जवाब जब तुमको मिले ना तो तुम साफ बोल दोगे कि अगर ऐसा है तो भाई तू वीडियो काय को बना रहा हमारा टाइम खोटी करने को, कि जब हाइट का ट्रीटमेंट होना ही नहीं चाहिए, हाइट तो कुदरत डिसाइड करके भेजती है। सेकंड पॉइंट में बता दूंगा मैं आपको कैसे हाइट डिसाइड होती है। तो जब कुदरत ने हाइट डिसाइड करी है तो तुम वीडियो काहे बना रहे हो कि हाइट बढ़ाने के लिए कोई इलाज ही जब नहीं है तो वीडियो बनाने का क्या तात्पर्य है, वो तीसरे पॉइंट में हमको पता लगेगा। तो तीन बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज समझते हैं, हाइट का डिसाइड कैसे होता है। दोस्तों, हाइट का जो कोड होता है वो हमारे जेनेटिक
कोड में हमारे क्रोमोसोम के ऊपर होता है। कहने का मतलब एक जो बंदा पैदा हुआ है वो माँ और बाप के मिलन से पैदा होता है एक बच्चा। तो जब एक बच्चा पैदा हुआ है तो वो अपने खुद के जेनेटिक कोड के अंदर हाइट का डाटा लेकर के जन्म लेता है। मेरी बात समझिएगा भाई, इतनी सी बात है। अब इसके अंदर कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, मतलब माँ की हाइट माँ के जीन्स भी आएंगे बच्चे में, बाप की हाइट बाप के जीन्स भी आएंगे बच्चे में, और ये दोनों जीन्स बच्चे के अंदर हैं, ठीक है। और जिसका प्रभाव बच्चे के ऊपर ज्यादा होगा जेनेटिकली, बच्चा जिसके ऊपर छाप बच्चे की ज्यादा पड़ी है, कोई बच्चा होता है जिसपे बाप की छाप पड़ी रहती, कोई बच्चे होते हैं जिसके ऊपर माँ की छाप पड़ी रहती, ये पूरा का पूरा ये एक प्रकार का कोइंसिडेंस होता है। ये अगर आपने मेंडल्स का लॉ पढ़ा है जेनेटिक्स का, वो पी प्लांट की थ्योरी जो 12वीं क्लास में जेनेटिक्स समझाते वक्त हमको बताई गई थी, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, अगर माँ और पिता दोनों लंबे हैं, मेरी बात अच्छे से समझ लेना, ईश्वर भी नहीं रोक सकता इस बच्चे को 6 फीट का होने से, ये समझ लो आप अच्छे। जैसे कि एक एग्जांपल, माँ और बाप दोनों लंबे की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर कोई दो मत आपको होंगे ही नहीं, और ये वो बंदा होगा इसको ट्रीटमेंट की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके माँ बाप की कंप्लेंट उल्टी होगी कि भैया हमारा लड़का ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ता है, ये 15 साल का हो गया है, इसके कोई भी कपड़े खरीदते हैं तो 6 महीने में कपड़े इसको शॉर्ट पड़ जाते हैं, इसके हाथ जो है वो अस्तिनों से बाहर निकल जाते हैं, इसके पैर भी अस्तिनों से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर माता पिता दोनों अच्छी लंबी हाइट के हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो फिर चर्चा ही नहीं होती वहां पे, बच्चे का लंबा होना तय है, कुदरत ने तय करके भेजा है। दूसरा कॉम्बिनेशन, माता पिता दोनों छोटे हाइट के हैं, बच्चा छोटा ही होगा, लिख लो, साक्षात इंद्रदेव भी आकर के अपना समुद्र मंथन का अमृत पिला देंगे इस लौंडे को ना, क्योंकि इसकी जेनेटिक कोड में ही हाइट कम है, तो ये छोटा ही रहने वाला है, कोई मतलब नहीं ट्रीटमेंट करने का, बिल्कुल कोई। देखो माँ बाप दोनों लंबे थे, ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं, बच्चा वैसे ही लंबा होगा, माँ बाप परेशान हो जाएंगे कपड़े बदल बदल के, इसके कोई भी कपड़ा लाएंगे साला 6 महीने में छोटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा दो केस। मतलब पहला केस क्या हुआ, दोनों माँ बाप लंबे, माँ भी लंबी बाप भी लंबा, खत्म बात। दूसरा, माँ बाप दोनों छोटे, माँ बाप दोनों शॉर्ट हाइटेड हैं, बच्चा शॉर्ट हाइटेड लेगा रहेगा, लिख लो, मतलब वो तुम्हारी क्लिनिक में बच्चे को लेके आए हैं और छोटे छोटे से खड़े हैं माँ बाप, तो बिल्कुल बोल देना बोलना बाहर हो जाओ आप, कोई इलाज नहीं, उनको समझाओ ये चीज कि ना यहाँ पे कोई इलाज है, और आप डेस्परेट होके वो पेपर में छपने वाले विज्ञापनों की दवाएं आयुर्वेदिक आप मत खाने लगना, है ना, बहुत सारी दवाएं हाइट के लिए, आप लोग जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप में से लाखों लोगों ने देखी होंगी, कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता पिता दोनों छोटे हैं, माता पिता के जीन्स से ही डिसाइड होगा, माता पिता में से दोनों भी ऐसे एक भी लंबा होता, माता पिता में से एक भी लंबा होता तो कुछ चांस था, पर माता पिता दोनों छोटे हैं, कोई चांस नहीं है, हटाओ अलग, कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं होगा, सर पीट लो, हाथ काट लो, हाथ की नस काट लो तुम अपने, एज ए डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाओगे, खत्म बात। दो केस हो गए, तीसरा केस आ रहा है, तो एग्जांपल के लिए मैं अमिताभ बच्चन जी और जया बहादुरी जी का केस ले लेता हूँ। जया बहादुरी जी की हाइट हार्डली 5 फीट है, 5 फीट 1 इंच 2 इंच भी है शायद ना हो, और अमिताभ बच्चन जी की हाइट मोर देन 6'2" 6'3" है, 6'2" तो होगी ही होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी काम करेगी, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गई अमिताभ बच्चन जी के पक्ष पे, कि जो अभिषेक बच्चन हुए उनकी जो हाइट है वो पिता पे गई, क्योंकि उनके अंदर ट्रेड्स ज्यादा पिता के थे। अगर यही अभिषेक बच्चन के अंदर ट्रेड्स ज्यादा, अब यहाँ पे भी 3 केस हो जाएंगे, आप ये समझ लो, यहाँ पे 3 केस होंगे, माता पिता में से एक लंबा है, मतलब पिता को मान लेते हैं लंबा, क्योंकि जनरली मर्द लंबे होते हैं, औरतों लेडीज की हाइट छोटी होती है, तो अगर हम कोई ऐसा सिनेरियो देख रहे हैं कि एक लंबा और एक छोटा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पुरुष लंबा होगा महिला छोटी होगी हाइट में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सिनेरियो होंगे, पहला, बच्चा पूरी तरह से बाप पे चला जाएगा, इक्वली बाप के हाइट हो जाएगी, 6 फीट का होगा जैसे अभिषेक बच्चन है। दूसरा केस यहाँ पे ये हो सकता है, ये सिर्फ जेनेटिक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इससे आपके अंदर ये मूर्खता आप लोगों के दिमाग से खत्म हो जाएगी, ये मूर्खता दोनों के अंदर है, ये पेशेंट के अंदर भी है, डॉक्टर के अंदर भी है। पेशेंट के अंदर क्या मूर्खता है कि छोटे छोटे से माँ बाप है, छोटा सा बच्चा है, अब उनको लग रहा है मैं इलाज कराऊंगा तो मेरा बच्चा 6 फीट हो जाएगा, ये मूर्खता है पेशेंट के अंदर। और डॉक्टर के अंदर ये मूर्खता है कि उसको पता ही नहीं कौन सा केस लेना है कौन सा नहीं लेना है, डॉक्टर को बिल्कुल नहीं पता, वो कोई सा भी केस मुंह उठा के हाउ कर देगा, बोले हाउ मैं कर दूंगा इलाज, मैं लंबा कर दूंगा। अरे लंबा क्या, चिंगम है, खींच के लंबा करेगा, कैसे लंबा कर देगा भाई, उसके जेनेटिक कोड में ही वो बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली है कि जो ये बच्चा है जिसका बाप लंबा है माँ छोटी है, बाप पे चला जाए पूरा का पूरा, पहली चीज, बाप पे जाएगा एकदम लंबा होगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी, माँ पे चला जाए पूरा, अगर माँ पे ये पूरी तरह से चला गया
तो उतनी ही हाइट रहेगी, 5 फीट का होगा। और तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के मिक्स्ड कैरेक्टर अगर आएंगे तो दोनों की हाइट का एक एवरेज हाइट इसका निकल के आएगा। कहने का मतलब बाप 6 फीट का, माँ 5 फीट की, इसका एवरेज निकालेंगे तो लगभग कहीं ना कहीं 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 7 इंच का निकलेगा। फिर भी ये बाप के साथ खड़ा होगा ना, तो ऐसी स्टेप बनेगी, स्टेप के अंदर बीच की स्टेप रहेगी इसकी, कि सबसे ऊंची हाइट बाप की, उसके बाद एक नंबर कम बेटे की और सबसे कम माँ की। मतलब इन दोनों की एक एवरेज हाइट मिल गई। माँ से इसको एक शॉर्ट हाइटेडनेस का गुण मिला और माँ के शॉर्ट हाइटेडनेस के गुण ने बाप के हाइटेडनेस को काटा, तो वो जो कटा ना तो ये 6 इंच इसके कम हो गए। मेरी बात समझ रहे हो? बाप 6 का, माँ 5 की, तो ये बीच में आके कहीं आया, 5-6 पे आया, 5.5 फीट पे आया। ये 3 प्रोबेबिलिटी होंगी। अब तुम बोलोगे, अब इसमें तीसरा जो क्लिनिकल कैच आ रहा है, अब तुम बोलोगे कि भाई फिर वीडियो काय बना रहा है, इतना भौंके जा रहा है इतनी देर से। तुम ये बोलोगे ना कि यार अगर हाइट जेनेटिकली डिसाइड होगी कि माँ बाप की हाइट में, जो 3 सिनेरियो बताए कि अगर माँ बाप दोनों लंबे हैं तो लंबा बच्चा होगा, कोई इलाज की जरूरत नहीं है। माँ बाप दोनों छोटे हैं तो छोटा बच्चा होगा, कोई इलाज की जरूरत नहीं है। कि माँ बाप के अंदर ही जेनेटिक कैरेक्टर छोटे हैं तो आप इलाज ही नहीं कर सकते, आप कितने इलाज कर लो माँ बाप की हाइट से ज्यादा हाइट नहीं जाने वाली। और तीसरा कि अगर बाप लंबा माँ छोटा है तो यहाँ पे एक एवरेज हाइट आ जाएगी, इसको भी अमूमन इलाज की जरूरत नहीं होगी, इसको इलाज की तब जरूरत होगी जब अपनी माँ की हाइट पे जाएगा ये, ठीक है, उसके बाद भी चांस इतना नहीं है। तो अब ये फिर बताओ कि भाई कौन सा केस है जिसमें तुम ट्रीटमेंट करने की बात कर रहे हो और ये वीडियो बना रहे हो। अब आ रहे हैं उस क्लिनिकल केस पे। वो क्लिनिकल केस दोस्तों ये है कि जब भी बढ़ती उम्र का एक बच्चा होता है और उसको कोई एक्यूट डिसऑर्डर अपने बचपन में हो जाए तो उसकी बाढ़ रुक जाती है। कहने का मतलब माँ और पिता दोनों 5 फीट 11 इंच के आसपास, माँ की हाइट होगी 5 फीट 10 इंच, बाप की हाइट है 6 फुट 1 इंच, ठीक है, दोनों लॉन्ग हाइटेड, दोनों इतने मतलब पराकाष्ठा के लंबे। अब जब इनकी औलाद हुई, जो कि नेचुरली क्या होना था, नेचुरली ये होना था कि इसकी हाइट उतनी ही जाती अपने माँ बाप के पास, बट जब ये बच्चा 8, 10 साल, 12 साल का था, इसको हेपेटाइटिस बी या सी हो गया 3rd degree का। ये 1 महीने तक हॉस्पिटल में डला रहा और उस 1 महीने के अंदर इसके ऊपर तरह तरह का एंटीबायोटिक, मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए ऐसी कोई एक्यूट मेडिकल कैलेमिटी जिसके अंदर एक बच्चा बिल्कुल जान से जाते जाते बचता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है डेंगू हो गया, उसको सीवियर डेंगू के अंदर वो 2 महीने हॉस्पिटल के अंदर रहा। तो जब ऐसा कोई एक्यूट मेडिकल शॉक नाम की चीज जब बॉडी के अंदर लगेगी, वो हो सकता है जॉइंटिस हो गया उसको, हो सकता है उसको बचपन में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हो सकता है उसको कोई जॉइंट का ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो सकता है कोई एक्यूट फेब्राइल इलनेस ऐसी हो गई हो जिसमें से ये बच्चा मरते मरते बचा था, या कब, जब ये 12 13 साल से छोटा था। दोस्तों ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चे की जो हाइट है वो बढ़ना रुक जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन नाम का एक हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जो हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अब ये वो हार्मोन होता है, अब होता क्या है कि जब इस तरह का कोई मेडिकल इंसिडेंट एक पेशेंट के साथ हो जाएगा जिसके अंदर वो बाल बाल उसकी जान बची है, तो हार्मोनल एक्सेस जो होती है पूरी की पूरी बॉडी के सारे सिस्टम उससे प्रभावित होते हैं और उसके प्रभाव के चलते बच्चे की हाइट जो है वो बढ़ना रुक जाएगी। और मात्र एक यही सिनेरियो है, अगर यही सिनेरियो था उसके अंदर भी तुमको पेशेंट सामने है तो तुमको माँ बाप की हाइट जरूर देख लेनी है। अगर माँ बाप छोटे छोटे थे और बच्चा छोटा है, भले इसके साथ कोई मेडिकल इंसिडेंट हुआ हो, इलाज करने का कोई बहुत मतलब नहीं है, बट माँ बाप की हाइट फेयरली अच्छी है और हमको ये हिस्ट्री मिल रही है कि भाई सर ये छोटा था, ये 10 साल तक तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हुई, 10वें साल में इसको जो है पीलिया हो गया, पीलिया बहुत बिगड़ गया था, इसका लीवर डैमेज हो गया उसके बाद से इसकी ग्रोथ रुक गई, या इसको टीबी हुआ था उसके बाद से इसकी ग्रोथ रुक गई। ऐसे जो स्टेटमेंट्स होंगे और खासकर उन लोगों के जिनकी माँ बाप की हाइट फेयर है और बच्चे की हाइट में वाकई में एक बिल्कुल साफ डिफरेंस दिखता है हमको माँ बाप के कंपेरिजन में, सिर्फ एक यही सिनेरियो है जिस सिनेरियो में आप लोगों को हाइट का ट्रीटमेंट आप लोग कर। इसके अलावा पूरी मैं कहानी बता चुका हूं और जो एक तीसरा सवाल है, तीसरा या चौथा सवाल है जिसका जवाब कि साहब किस एज तक हम कर सकते हैं, मतलब ये बच्चा हमारे पास अगर क्या 20-22 साल में आया तब हम इसका इलाज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो जो एज है, वो जो स्वीट स्पॉट है, वो है 16 साल से नीचे नीचे का, आप ये याद रखिएगा, मेच्योर एडल्ट होने के जस्ट नीचे का स्पॉट है। 16-17 के पहले अगर आपके पास ये पेशेंट आ जाता है, 12 में आता, 13 में आता, 14 में आता,
आता उतना बेटर है। 16 साल 17 साल की उम्र तक आप इसका केस फिर भी ले सकते हो, बट अगर ये 18 19 साल का क्रॉस कर गया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए और नहीं इसकी हाइट बढ़ेगी। अब सीधे सीधे आते हैं फिर होम्योपैथिक मेडिकेशन में हम उसको क्या देंगे जिससे कि ये बच्चा जो है इसकी हाइट को हम मेंटेन कर पाए और वो सारे के सारे चीजों को इसके शरीर से अलग कर पाए जिसकी वजह से इसकी हाइट रुकी थी। सो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द स्टंट ग्रोथ इन एनी चाइल्ड ड्यू टू एनी एक्यूट इलनेस इन द चाइल्ड हुड स्पेशली इफ द चाइल्ड बिलोंग्स टू द टॉल मदर एंड फादर, मतलब माँ बाप लंबे थे, बचपन में बच्चे को कोई एक्यूट इलनेस हुई जिसके कारण इसकी ग्रोथ रुक गई और आज ये बच्चा जो है वो कांड उसके साथ 8-9 साल की उम्र में हुआ था और अभी 13 साल का और मेरे सामने खड़ा हुआ, तो मैं उसको कौन कौन सी दवा दूंगा। तो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर, सबसे पहली मेडिसिन होगी बेराइटा कार्ब। जी हाँ दोस्तों, पैराइटा कार्ब इन द 30 पोटेंसी में आपको इस बच्चे को देना है, 4-4 गोली सिर्फ 2 बार सुबह शाम। जो दूसरी मेडिसिन होगी दैट विल बी द थायरोइडिनम। जी हाँ दोस्तों, थायरोइडिनम 30 पोटेंसी में। बेराइटा कार्ब के अंदर शॉर्ट हाइटेडनेस लिखी हुई है हर जगह, बेराइटा कार्ब के अंदर ग्रोथ का रिटायर्डेशन लिखा है, हाइट का रिटायर्डेशन लिखा है, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अब जब इस बच्चे की हाइट को मैं बढ़ाना चाहूंगा तो मुझे थायराइड को संभालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक थायराइड ग्रंथि का मेटाबॉलिज्म इसकी हाइट के अनुरूप उतना एक्टिव नहीं होगा तो शायद इसको ग्रोथ नहीं करने देगा इसका थायराइड। तो द सेकंड मेडिसिन इज द थायरोडिनम इन द 30 पोटेंसी एंड द थर्ड मेडिसिन विल बी द कैल्केरिया फॉस 6x इन द बायोकेमिक फॉर्म। क्यों भाई, मैं हाइट कैसे बढ़ाऊंगा, जब मैं हड्डियों को ग्रोथ दूंगा तब तो हाइट बढ़ेगी। कहने का मतलब मैं बेराइटा कार्ब 100 साल भी खिला दूंगा ना तो हाइट नहीं बढ़ने वाली, मुझे बॉडी के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स भेजना पड़ेगा, कैल्शियम की सप्लाई भेजनी पड़ेगी। तो द थर्ड मेडिसिन इज द कैल्केरिया फॉस 6x बायोकेमिक। तो तीनों से मतलब बेराइटा कार्ब 30, थायरोडिनम 30, कैल्केरिया फॉस 6x, इन तीनों से आपको अपने पेशेंट को 4-4 गोली सिर्फ 2 बार देना है सुबह और शाम, सुबह और शाम, सुबह और शाम, दैट्स इट। और ये जो इलाज करेंगे इनिशियल हम 6 महीने के लिए करेंगे, इलाज के पहले आप हाइट नाप लीजिएगा। अगर वाकई में आपके पेशेंट के अंदर जरा सा भी जेनेटिकली प्रोबेबिलिटी है हाइट बढ़ने की, तो यह असंभव के समान है कि इस प्रिस्क्रिप्शन से आपको रिजल्ट ना मिले। 1 इंच भी बहुत होता है, भागते भूत की लंगोटी ही सही, वो कहावत है ना, जितना हाइट मिलेगा दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट, है ना। तो ये था एक छोटा सा मीडियम साइज का वीडियो हाइट के ट्रीटमेंट के बारे में, जिसके अंदर वो सारी बातों के हमने बारे में बात करी कि किस तरह से लूटा जा रहा है मार्केट के अंदर हाइट के नाम पे, कंपनियां पेटेंट बना रही है होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एलोपैथिक और लोगों को लूट रही है, किस तरह से एक प्रकार की इलिटरेसी है डॉक्टर्स में भी और पेशेंट के अंदर भी, कि मुंह उठा के कोई भी चाहता है कि मेरे बच्चे का हाइट का इलाज हो जाए और मुंह उठा के कोई भी डॉक्टर इलाज कर रहा है, जबकि इनको इस बात का पता ही नहीं है कि कौन सा वो केस है जिसमें तुमको हाइट का इलाज करना है। इसमें हमने ये भी समझा कि एक मानव के अंदर हाइट डिसाइड कैसे होती है जेनेटिकली, और इसके अंदर हमने ये भी समझा कि वो कौन सा केस है जिसके अंदर हाइट रुक जाती है और कौन सा केस है जिसमें हमको ट्रीटमेंट देना चाहिए, और अल्टीमेटली मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बताया। यहां तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करें भी ना मत जाइएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी तरह के धमाकेदार डॉक्टर्स के लिए वीडियो में हफ्ते में 2 मतलब महीने में 8 आते हैं। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिएगा, अदरवाइज यू वोंट गेट एनी नोटिफिकेशन ऑफ एनी एक्टिविटी ऑन दिस चैनल। तो चलिए इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और इस हफ्ते में होने वाली 3-3 लाइव स्ट्रीम धमाकेदार लाइव स्ट्रीम सेशन में, मजेदार कॉमेडी वाले सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार।